दिल्ली में एकत्रित किसानों की समस्याओं को लेकर पूरे भारत में जन आंदोलन के आह्वान पर जनपद गाजीपुर में भी किसान भारतीय किसान सभा द्वारा जन आंदोलन को शुरू किया गया और यहां पर लोगों ने नारा दिया, पुलिस के बल पर सरकार नहीं चलेगी, मोदी सरकार मुर्दाबाद। पूरे जनपद गाजीपुर के तमाम क्षेत्रों, तहसील हो या गांव हो, हर जगह इसका आंदोलन किया गया, मुख्यालय पे भी किया गया। अब आप जनपद गाजीपुर से जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट को सुने। ये सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपना परिचय दें और साथ ही ये भी बताएं कि इस गाजीपुर उत्तर प्रदेश में कोतवाली में इतने सारे लोग लाल झंडा लेकर के आप लोग हैं, क्या कारण है, आखिर किस वजह से आप लोग यहाँ पे हैं? हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले गाजीपुर के जिला सचिव राम प्यारे राम हैं। आज जो देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा है और लोग दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, कल के डेट में पूरे देश भर में उन आंदोलनों के समर्थन में पुतला दहन था, लेकिन आज उन आंदोलनों के समर्थन में भारत बंद था। भारत बंद आंदोलन के तहत ही आज हम लोगों को यहाँ दमनकारी नीति के तहत योगी सरकार, हम लोग को जो लोकतांत्रिक अधिकार है बातचीत करने का, अपनी बात रखने का, उन अधिकारों से वंचित कर देना चाहती है और इसीलिए हम उनको गिरफ्तार करके साथियों के यहाँ पुलिस यहाँ थाना कोतवाली लाया गया है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और यही नहीं, हमारे जो अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव हैं सूर्य प्रसाद कुशवाहा जी, हम लोग के राज्य समिति के सदस्य हैं राजेश बनवासी जी, किसी को हाउस अरेस्ट किया गया है तो किसी को करंडा थाने में बंद किया गया है। कल के डेट में जब हमारे साथी बंद कराने का आह्वान कर रहे थे भदौरा में, राम प्रवेश कुशवाहा जो जिला सचिव हैं अखिल भारतीय किसान महासभा के, उनको गिरफ्तार करके पुलिस चौकी में रखा गया था, बाद में छोड़ा गया था। तो ये दमन के बल पे जो आवाज़ उठ रही है किसानों के पक्ष में, दमनकारी नीतियों के पक्ष में, काला कानून के खिलाफ, MSP की गारंटी के लिए कानून बनाने के पक्ष में, बिजली बिल 2020 वापस लेने के सवाल पे, आवारा पशुओं की व्यवस्था करने, बंद पड़े मेलों को चालू करने के सवाल पे, इन सवालों को लेके हम अपनी बात कहना चाहते थे, उन आंदोलन को और धारदार बनाना चाहते थे। ये पुलिस हमें गिरफ्तार करके चाहती है कि रोक दें, लेकिन दमन के बल पे इस लड़ाई को रोका नहीं जा सकता, ये लड़ाई और तेज़ी।